तो गुरु लोग कैसे हो। आज मैंने भोला मूवी को देखा। यह मूवी कैसी है और आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं, मैं अपने इस वीडियो में आपको बताता हूँ। जब से भोला का ट्रेलर आया था तब से लोगों में इस मूवी को लेकर काफी हाइप थी, रीमेक होने के बावजूद भी। जी हाँ दोस्तों, यह साउथ इंडियन मूवी कैथी की रीमेक है। जिन लोगों ने कैथी मूवी देखा है शायद उन्हें स्टोरी सेम होने की वजह से मजा ना आए, लेकिन अगर आपने कैथी मूवी नहीं देखा है तो आपको यह मूवी काफी पसंद आने वाली है। मूवी की स्टोरी की बात करूँ तो मूवी की स्टोरी भोला नाम के कैदी के ऊपर है, जो की जेल से छूटने के बाद अपनी बेटी से मिलने जा रहा होता है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो अपनी बेटी से नहीं मिल पाता और वो कारण क्या है, यह सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को। यह मूवी 2 घंटा 30 मिनट का है। इस मूवी में अजय देवगन, तब्बू, विनीत कौर, संजय मिश्रा, दीपक डोगरियाल जैसे बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलते हैं। और एक बात दोस्तों, इस मूवी को अजय देवगन ने ही डायरेक्ट किया है। मूवी का रिव्यू एक लाइन में करूँ तो मैं इतना ही कहूंगा, आपने कैसी मूवी देखा हो चाहे ना देखा हो, पर आप एक बार जाके भोला मूवी देखिए, क्योंकि यह 3D में रिलीज हुई है और आपको फाइट सीन देखकर बहुत मजा आने वाला है। अगर आप यह मूवी 3D में देखेंगे तो आपको फाइट सीन और भी अच्छे लगेंगे, ज्यादातर वो बाइक और ट्रक वाला सीन। इस मूवी में अच्छी स्टोरी है, इमोशन है, दमदार एक्शन है, थ्रिलिंग सीक्वेंस है और सबसे ज्यादा विजुअल इफेक्ट है, जो कि इस मूवी को रिमेक होने के बावजूद भी एक बढ़िया मूवी बनाती है। इस मूवी में जितने भी एक्टर है वो काफी अच्छे है और अपने रोल को काफी बाकायदा निभाया है। एक बात और दोस्तों, इस मूवी को आप आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इस मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन है जिसमें आपको कौन सा एक्टर देखने को मिलेगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को। और मैं आपको बता दूं का सेकंड पार्ट आएगा। जिस प्रकार कैथी और विक्रम एक ही यूनिवर्स की मूवी है, उसी प्रकार भोला का भी यूनिवर्स बनने वाला है। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।